Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, दिखाए गए सभी DIY प्रोजेक्ट आप इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, और आज भी मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कुछ और खूबसूरत और यूज़फुल से DIY प्रोजेक्ट जो कि हम बनाएंगे वेस्ट मटेरियल से और साथ ही साथ बहुत ही मिनिमल बजट में। तो देखिए, पहले प्रोजेक्ट के लिए मैं बना रही हूँ फ्लावर स्टिक्स, यानी कि बहुत ही आसानी से बनने वाले फ्लावर्स हैं, या स्टिक्स बोल सकते हैं इनको, हम ऐसे ही लगा सकते हैं अपने किसी भी फ्लावर वेस में, बहुत ही खूबसूरत लगेगा और बनाने में भी बहुत आसान है। तो ये बनाएंगे हम रिबन से, तो उसके लिए मैंने लिया है सैटन रिबन और लिए हैं मैंने ये इस तरीके के जो आरओ होता है, वाटर प्यूरीफायर, उसका जो पाइप होता है ना, जो हम वेस्ट समझ करके फेंक दिया करते हैं, मैंने उसी को कट कर लिया है। अगर आपके पास ये है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फ्लावर मेकिंग वाले जो वायर्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वायर्स के ऊपर ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मेरे पास ये था तो मैंने सोचा कि इसी को रीयूज़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हमने लिया है इस तरीके का एक रिबन, सैटन रिबन है ये, और मैंने लिया है ये पतला सा रिबन, ये लगभग आधा इंच चौड़ा होगा। आप जितना ज़्यादा चौड़ा लेंगे उतना ज़्यादा ये खूबसूरत बन करके आएगा। तो देखिए, ये आधा इंच के करीबन ये चौड़ा रिबन है, और आपको जितना लंबा फ्लावर बनाना है उतना लंबा आप इसको कट कर सकते हैं। तो मैंने तो लगभग आधा मीटर से भी आधा किया है। तो उसको कट करने के बाद में ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा रिबन के दोनों साइड में, देखिए एक साइड में सीधा है, एक साइड में उल्टा है। तो सीधा साइड हमें ले लेना है, और सीधे साइड में आप देखेंगे अगर ध्यान से तो रिबन के एक साइड में थोड़ा सा चौड़ा सा बॉर्डर दिया होता है और एक साइड में पतला बॉर्डर दिया होता है। तो जहाँ पर थोड़ा चौड़ा सा बॉर्डर दिया है ना, मैं उस साइड से इसकी बिल्कुल पतली पतली किनारी कट कर रही हूँ। और किनारी कट करने के बाद में जो रिबन है ना, जो उसका बॉर्डर था, उस बॉर्डर को हमें निकाल देना है। तो ये देखिए, मैंने निकाल दिया है इसको, और रखेंगे साथ ही फ्लोरल टेप। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगा। अगर आपके पास फ्लोरल टेप ना अवेलेबल हो तो सैटन रिबन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको तो अभी फ़िलहाल अलग रख देंगे, और जो हमारे पास ये जो हमने जिसका किनारा काटा था ना, उसमें साइड से हम इस तरीके से इसके जो थ्रेड हैं, धागे हैं, उसको निकालते जाएंगे। और इस तरीके से करके हमें काफ़ी सारे धागे निकाल देने हैं। ये देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से करके हम सारे धागे इसके निकाल देंगे। दोस्तों, धागे निकालते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस काम में आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करेंगे तो आपका सैटन रिबन जो है वो उलझ सकता है, और ये जो धागे हैं बिल्कुल इवनली नहीं निकलेंगे। अगर थोड़ा सा आराम से करेंगे, धीरे धीरे करके करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छे से आसानी से निकल जाएंगे। और इस सारे निकल जाने के बाद भी देखिए, हमें सिर्फ इतनी पट्टी छोड़नी है। अगर आप चौड़ा रिबन लेंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत बनेगा, मैं दोबारा से कह रही हूँ। तो आप ब्रॉड रिबन लें अगर कभी भी इसको ट्राई करते हैं। और उसके बाद में ये देखिए, जो मेरा आरओ वाला पाइप था, प्यूरीफायर का जो पाइप था, उसके ऊपर चारों तरफ से हम इस तरीके से इसको लपेट रहे हैं निकालने के बाद में। आप चाहे तो ऊपर के साइड में कोई भी ग्लू से पहले स्टिक कर दीजिए और फिर उसके बाद में लपेटे। मैंने इसको एज इट इज़ लपेट दिया है, और लपेटने के बाद में इसके नीचे के साइड में हम फ्लोरल टेप की हेल्प से इसको बिल्कुल सिक्योर कर देंगे, और बाकी का बचा हुआ जो हिस्सा है उसको फ्लोरल टेप की हेल्प से हम कवर कर देंगे। और पूरा कवर करने के बाद में, क्योंकि इसके अंदर ग्लू लगा हुआ होता है तो हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक स्टिक्स तो इस तरीके से एक स्टिक तो तैयार हो गई है, और इसी तरीके से करके हम बाकी की स्टिक्स भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, दूसरा भी मैंने इसको कट कर लिया है। मैं इस तरीके से लगा रही हूँ इसको, पकड़ा और इस तरीके से घुमाते हुए इसको लपेट दिया। अगर आप चाहें तो ऊपर के साइड में जो टिप है उसके ऊपर पहले थोड़ा सा कोई भी ग्लू लगाएं और उसके बाद में इसको चिपका दें। ये देखिए, इस तरीके से बन गया है। सारे मैंने इतने बना लिए हैं, कम से कम 6-7 बनाए हैं मैंने, और इसके ऊपर के साइड में एक एक येलो कलर का बीड मैंने लगा दिया है। अगर आप इसको चौड़े रिबन की हेल्प से बनाएंगे तो ये बहुत सुंदर बनेगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो छोटे छोटे से बीड्स इस तरीके से स्टिक कर सकते हैं। किसी भी
ग्लू की हेल्प से कर सकते हैं, हॉट ग्लू गन की हेल्प से कर सकते हैं। और इस तरीके की ये स्टिक्स बन करके तैयार हो गई हैं। इनको आप अपने किसी भी फ्लावर वेस्ट में खूब ढेर सारी बनाइए और उसके बाद में लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगी और बहुत ही कम खर्चे में हमारी फ्लावर स्टिक्स जो है वो बन करके तैयार हो गई हैं। बिन स्टिक्स के लिए एक फ्लावर वेस्ट भी बना लेते हैं। तो मेरे पास एक ये बॉटल है जो कि मैंने DIY की थी। ये वाटर बॉटल थी क्ले की, लेकिन इसके ऊपर मैंने पेंट किया ना, और जब भी मैं वॉश करती थी, मैंने फर्स्ट टाइम ये गोल्डन पेंट इसके ऊपर ट्राई किया था। बाकी तो सब ठीक है, थोड़ा सा पेंट निकल गया जिसकी वजह से ये मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। अब चूंकि मैं खुद ही DIY करती रहती हूँ ढेर सारे, तो मैं इसको रीयूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी ग्लास बॉटल भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, इसके लिए हम बना रहे हैं एक नया कलर। और वॉल पेंट चूंकि मिट्टी के बर्तनों के ऊपर बहुत अच्छा रहता है, ड्यूरेबल रहता है और वॉश करने के बाद में भी निकलता नहीं है, तो इसीलिए मैंने वॉल पेंट लिया वाइट कलर का और उसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन कलर मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद में मैं डबल कोट करूंगी इस बॉटल के ऊपर। पहला कोट मैंने ब्रश की हेल्प से कर दिया और दूसरा कोट जब ये सूख गया है तो दूसरा कोट मैंने इस स्पॉन्ज की हेल्प से कर दिया। और जब दोनों कोट सूख गए तो मैंने एक ईयरबड लिया है और उससे मैंने रैंडमली रेड कलर के पोल्का डॉट्स लगा दिए हैं। ये देखिए, इस तरीके से डॉट्स लगा दिए और ग्रीन के ऊपर रेड कलर के डॉट्स कितने सुंदर लग रहे हैं ना। अब देखिए, चाहे तो इसको इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट और करूँगी, उसके लिए मैंने ये ड्रॉप साइज़ के मैंने लिए हैं मिरर और लिया है PVA ग्लू। और मिरर को मैं इसके चारों तरफ लगा रही हूँ जहाँ जहाँ पर हमने पोल्का डॉट्स लगाए हैं। और ये देखिए, एक फ्लावर जैसे बन करके तैयार हो गए। रात में अगर इसके ऊपर लाइट पड़ेगी ना तो ये बहुत ही ग्लिटर करेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये बॉटल बहुत ही इनएक्सपेंसिव तरीके से, बहुत कम मेहनत में बहुत ही खूबसूरत सी बॉटल वेस हमारा बन करके तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो इसमें के काफ़ी सारे अलग अलग कलर के बना सकते हैं और घर का कोई कॉर्नर बिना फ्लावर वेस के भी, बिना फ्लावर्स लगाए भी इसको ऐसे ही डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम मेहनत में बहुत सुंदर सा डेकोर पीस बन करके तैयार है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने लिया है इस तरीके का एक छोटा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स और उसके चारों तरफ के ऊपर वाले फ्लैप्स मैंने निकाल दिए हैं। उसके अलावा मैंने लिया है ये रिबन, सैटन रिबन, जो कि हमने पहले वाले प्रोजेक्ट में यूज़ किया था। और उसके लिए मैंने ये रिबन लेकर के इस तरीके से देखिए, थोड़े छोटे छोटे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। इसके ढेर सारे पीसेस कट किए हैं, अभी काउंट नहीं किए हैं और जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम कट कर लेंगे। और देखिए, इसको कर क्या रही हूँ मैं, इस तरीके से मैंने यहाँ पर ग्लू लगाया है। आप चाहें तो इसकी जगह हॉट ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं, काम आसान भी होगा और जल्दी भी होगा। तो मैं तो थोड़ा सा मैंने ग्लू यूज़ किया और थोड़ा जगह मैंने हॉट ग्लू गन स्टिक्स का यूज़ किया। तो ये सैटन रिबन के हमने जो टुकड़े कट किए हैं उनको मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा रही हूँ। बिल्कुल पास पास में लगाना है, बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना है और जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना अच्छा हमारा ये प्रोजेक्ट बनेगा। बिल्कुल पास पास लगाना है, बहुत ज़्यादा पास पास भी नहीं लगाना, ओवरलैप नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसको चारों तरफ से हमें इसी तरीके से इन टुकड़ों को लगा देना है। ये ध्यान रखना है कि टुकड़े एक बराबर ही काटें और बहुत ज़्यादा लंबे टुकड़े ना कट करें। तो यहाँ पर मैंने सभी पीसेस को यहाँ पर इस तरीके से स्टिक कर दिया अंदर के साइड में, और जितने बाकी का पोर्शन बचा था उसमें भी मैं इस तरीके से इन सभी टुकड़ों को स्टिक कर दूंगी। अगेन मैं यहाँ पर बता रही हूँ, अगर आप काम जल्दी करना चाहते हैं तो यहाँ पर हॉट ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने चारों तरफ इसके लगा दिया है, छोटे छोटे से एजेस बचते हैं जिनको हम कवर कर देंगे बाद में। और देखिए, पीछे के साइड में अंदर के साइड से और बैक साइड से ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब मैंने लिया है यहाँ पर मैक्रमे थ्रेड। आप चाहें तो मैक्रमे थ्रेड की जगह कोई ऊन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर कोई वूल पड़ी हो ना तो वूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये प्रोजेक्ट बन करके आएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से करके हमें लगाना है, लेकिन हमें इस जो मैक्रमे रस्सी है उसको डबल करना है। अच्छा, लंबाई कितनी रखनी है वो भी बता देती हूँ। लंबाई का इसका कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है, मैंने तो यहाँ पर इस तरीके से नापा
और उसके बाद में इसको डबल कर लिया थोड़ा सा पोर्शन छोड़ करके, इतना इतना करके कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा अगर हम कर लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें प्रोजेक्ट बनाने में। तो इस तरीके से ये देखिए एक साइड में मैंने हॉट ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर दो दो हमें जो रिबन हैं उनको छोड़ करके हमें इसको इस तरीके से इसके नीचे से निकालना है, यानी कि दो ऊपर के साइड में आएंगे, दो नीचे के साइड में आएंगे। ये देखिए पहले वाले में चिपका दिया, तो पहला वाला मैंने जो था वो छोड़ दिया है। उसके बाद में दो जो पट्टियाँ थी वो नीचे के साइड में आई हैं रिबन की, और दो पट्टियाँ जो हैं वो ऊपर के साइड में आई हैं। अब इसी तरीके से फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे के साइड में, फिर ऊपर के साइड में, इस तरीके से करते हुए हम इस पूरी रस्सी को कवर कर देंगे इस रिबन के चारों तरफ। तो एक बार तो दोस्तों हमने चारों तरफ घुमा दिया इस रस्सी को, और उसके बाद में जो दूसरा वाला पोर्शन आया, यानी कि दूसरी बार जब हमने घुमाया है तो जहाँ पर हमने ऊपर के साइड में लिया था वहाँ पर हमने नीचे कर दिया है। अब जैसे कि देखिए यहाँ से मैंने ये नीचे के साइड में कर दिया है इस तरीके से, दो ऊपर और दो नीचे, इस तरीके से हमें करते हुए जाना है। तो इस तरीके से मैंने कम से कम चार बार रस्सी को घुमा लिया है, और बाकी के पोर्शन में मैं सेम कलर का रिबन ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो पूरी जगह रिबन का यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप पूरी जगह रस्सी का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको डुअल टोन दिया है और डबल कलर में बनाया है, तो देखिए पूरा इसी तरीके से कवर हो गया है। चारों तरफ से कवर होने के बाद में ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, और कहीं कहीं पर जहाँ पर ये थोड़ा सा गैप्स दिख रहे हैं, तो अगर हम इस रिबन को थोड़ा सा खींचेंगे ना दूसरे साइड में तो ये अच्छे से कवर हो जाएगा। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है, कहीं कहीं पर जैसे रह गया है, तो इसको हम इस तरीके से खींच सकते हैं, और खींचने के बाद में ये पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि हमने इसमें नाइफ़ का यूज़ किया था, कई बार रिबन फंस जाता है ना, बीच में अटक जाता है और निकलता नहीं है, तो नाइफ़ का यूज़ करने से ये थोड़ा सा मुड़ जाता है रिबन। तो इसको हम इस तरीके से पूरे गैप्स जो है उनको फिल कर देंगे। और उसके बाद में मैंने लिया है एक वाइट कलर का कपड़ा, क्योंकि ब्लू के ऊपर वाइट काफ़ी अच्छा जा रहा है, तो मैंने इस तरीके से फैब्रिक लेकर के बैक साइड में मैं इस तरीके से हॉट ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दूंगी। ये देखिए पीछे के साइड में मैंने हॉट ग्लू गन लगा करके इस कपड़े को स्टिक कर दिया, और अंदर के साइड में भी मैंने इसी कपड़े को सेम इसी तरीके से हॉट ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दिया। बन करके तैयार हो गया मेरा एक प्रोजेक्ट। अब इसको हमें यूज़ किस तरीके से करना है, इसको आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अपने रिमोट्स रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, घर की चाबियाँ रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चार्जर रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत ऑप्शन है। अच्छा मैंने तो छोटी सी बास्केट बनाई है, आप चाहें तो बड़ी बास्केट बना सकते हैं इसको मल्टीपल तरीके से यूज़ करने के लिए। फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी एक्टिव, अपना ख्याल रखें और खुश रहिए। बाय बाय।